कांग्रेस की महिला दबंग विधायक ने आखिरकार गांधी परिवार से लोहा ले ही लिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह को पार्टी की महिला विंग के महासचिव पद से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कांग्रेस की बसों पर हो रही सियासत पर खुलकर बयान दिया था और कांग्रेस की आलोचना भी की थी। अब उनको ऐसा करना भारी पड़ गया है। अब सबके मन में सवाल है कि जो काम बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज नहीं कर पाए, आखिर इस युवा महिला कांग्रेस विधायक ने कैसे कर दिया और कांग्रेस से इनका क्या नाता है। दरअसल अदिति सिंह रायबरेली विधानसभा से विधायक हैं। उनके पिता अखिलेश सिंह इस क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। अखिलेश सिंह के गांधी परिवार से करीबी संबंध थे और उन्होंने अपने जीवन में ही बेटी अदिति सिंह को विरासत सौंप कर विधायक बनवा दिया था। उन्हें बेटी की भविष्य की चिंता सता रही थी, इसलिए निधन से कुछ समय पहले ही उन्होंने बेटी की सगाई पंजाब में कांग्रेस विधायक अंगद सैनी के साथ भी कर दी थी। बता दें कि अदिति सिंह की तरह ही अंगद भी पहली बार 2017 में पंजाब विधानसभा के विधायक बने थे। रायबरेली क्षेत्र में अदिति सिंह के परिवार की खासी पैठ मानी जाती है और कांग्रेस समेत गांधी परिवार से भी इनकी काफी नजदीकियां रही हैं, लेकिन अब शायद उनका कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों से ही नाता टूटने का वक्त आ गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।